Hello everyone, thank you so much for coming here to watch this session with me. My name is Mohit. और आज के इस session में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ phrasal verbs के बारे में. मैंने आप लोगों के लिए बहुत important 10 phrasal verbs ली हैं और ये phrasal verbs मैं आप लोगों को सिखाऊंगा sentences की मदद से. As you can see on board, I have written 10 sentences और इन 10 sentences में मैंने use की है phrasal verbs. देखिए, phrasal verbs बहुत सारी हैं English में और मैं आप लोगों को एक video phrasal verbs पे पहले ही दे चुका हूँ. And I'm sure आप लोगों ने वो video देखी होगी. और अगर नहीं देखी है, so for a better understanding of phrasal verb की phrasal verb होती क्या है, वो आपको वो video जरूर देखनी चाहिए. Well, आज का session हम start करते हैं. Before we start the session, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, you must be ready with the pen and paper. आप लोग एक pen और paper ले लीजिए, so that जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आप साथ साथ लिख लें, so that आप लोगों को वो हमेशा याद रहे. देखिए, केवल आप देखकर इनको, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इन sentences को पढ़कर या इनको देखकर आप याद नहीं कर सकते phrasal verbs को या कुछ भी. आप लोगों को खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखना होगा, तभी आप लोग उसे याद कर पाएंगे. चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. सो यहां पर जो पहला सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, आई विल नॉट पुट अप विद योर एंगर. तो यहां पर एक phrasal verb आप लोगों के सामने मैंने यहां पे अंडरलाइन की हुई है, पुट अप विद. देखिए, पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, मींस किसी चीज को बेयर करना या सहना. तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा, आई विल नॉट पुट अप विद योर एंगर, इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हारा गुस्सा सहन नहीं करूंगा. सो ये जो पुट अप विद है, इसका क्या मीनिंग है, टू बेयर. तो साथ में आप ये लिख लें, पुट अप विद मींस व्हाट, टू बेयर. क्लियर विद दिस? अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. I cannot make out what you are saying. यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, I cannot make out what you are saying. देखिए, make out means what? Make out का मतलब होता है किसी चीज को understand करना, यानी कि समझना. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं नहीं समझ सकता जो तुम कह रहे हो, यानी कि जो तुम कह रहे हो मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूं या मैं उसे नहीं समझ सकता हूं. सो मेक आउट, कभी भी आप लोगों को इस तरीके से मेक आउट लिखा मिले तो उसका मीनिंग आप लोग क्या समझेंगे, उसका मीनिंग है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना. मैं यहां पर लिख देता हूं, टू अंडरस्टैंड. अब देखते हैं आज का तीसरा सेंटेंस, ही हैज टेकन टू स्मोकिंग. देखिए, ये यहां पे थर्ड फॉर्म है, जो पहली फर्स्ट फॉर्म होती है, दैट इज व्हाट, टेक. सो जो फ्रेजल वर्ब है, दैट इज व्हाट, टेक टू. ही हैज टेकन टू स्मोकिंग, यहां पे थर्ड फॉर्म इसलिए आई हुई है बिकॉज दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट. हैज और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए टेक की जो थर्ड फॉर्म है टेकन, वो यहां पे है. But the first form is what? Take. So he has taken to smoking. Taken to, यानी कि take to, इसका meaning होता है किसी चीज की आदत पड़ जाना, किसी चीज की आप लोगों को लत लग जाना. So that is called what? Take to. यानी कि that means to be addicted of, किसी चीज का addicted हो जाना. Right, my friends? Now number fourth one, I have broken with my old friend. I have broken with my old friend. That means break with. किसी से जब आप लोग break with कर लेते हैं, so that means आप लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ ली है. So यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, I have broken with my old friend. मैंने अपने एक पुराने दोस्त से नाता तोड़ लिया है, रिश्ता तोड़ लिया है. So that means break with means to break a relation. ठीक है? Now number next, keep it up. ये कई बार आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ, keep it up. Keep it up means होता है किसी चीज को बनाए रखना. कभी आपने अपने क्लास में कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर किया होगा, सो आपके टीचर ने आप लोगों के रजिस्टर पे लिखा होगा, keep it up means इसको बनाए रखना, maintain it. So keep up, यहाँ पे जो phrasal verb है, that is what, keep up, और इसका मीनिंग होता है to maintain, यानी कि किसी चीज को बनाए रखना, टू मेंटेन. तो ये फाइव आपने देखे पहले, कौन कौन से, पुट अप विद, दैट मींस टू बेयर,
I can't make out. Make out means what? To understand. He has taken to. Yani ki take to, that means to be addicted of. Or break with, that means to break a relation. And keep it up means to maintain. ये पांच आप लोग लिख लीजिए. अब चलते हैं next five की तरफ. तो next sixth आप sentence देख रहे हैं. That is what? The chief guest gave away the prizes to all. तो यहाँ पर आप लोगों को एक phrasal verb underline दिख रही है. Gave away. देखिए ये इसकी second form है. तो जो इसकी first form क्या होती है? Give. Give away. तो जहाँ पर भी आप लोग phrasal verb देखेंगे give away लिखा हुआ. Give away का मतलब होता है बांटना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना. सो यहां पर इस सेंटेंस का मतलब होगा द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस टू ऑल. दैट मींस द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस टू ऑल. राइट. सो ये जो प्राइज की बात हो रही है यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. सो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू डिस्ट्रीब्यूट. नाउ नेक्स्ट वन. दिस ईयर आई विल carry off the prize for peace. Carry off. तो जहां पर भी आप लोग carry off लिखा हुआ देखेंगे that means to win. So इस sentence का मतलब क्या है कि इस साल मैं ही पुरस्कार जीतूंगा शांत के लिए, शांति के लिए. Right. So this year I will carry off. Carry off का mean क्या हो गया? To win. ठीक है भी. Carry off that means to win. Now next. The gas has run out. Run out. कोई चीज जब run out हो जाती है, that means वो चीज खत्म हो गई है, finish हो गई है. So whenever you see run out written somewhere, that means to finish. यानी कि खत्म हो जाना. So to finish. Now next. The winter has set in. Set in. ये जो आप लोग phrase देख रहे हैं set in. इसका मीनिंग होता है स्टार्ट हो जाना. टू स्टार्ट यानी कि किसी चीज की बिगनिंग हो गई है, किसी चीज की शुरुआत हो गई है. सो मैं कहूं आपसे कि ठंड आ गई है, सो द विंटर हैज सेट इन. अगर मैं कहूं आपसे गर्मी आ गई है, सो द समर हैज सेट इन. सो सेट इन मींस टू बिगिन, टू स्टार्ट. सो टू बिगिन. नाउ आज का जो लास्ट फ्रेजल वर्ब आप देख रहे हैं दैट इज आई कांट डू विदाउट. डू विदाउट इंग्लिश. So do without का मीनिंग होता है किसी चीज के मतलब काम ना चलना. Do without काम ना चलना. So I can't do without English. मेरा काम English के बिना नहीं चल सकता. जैसे आप बोलो कि भाई I can't do without कुछ भी milk. I can't do without tea. Some people can't do without tea. They love taking tea. जब तक उनको चाय नहीं मिलेगी they will feel so bad and they can't feel activated. और उनको लगता है कि tea is their energy. So they can't do without tea. So do without means what? किसी के बिना काम ना चलना. Means do without can't help without. ठीक है, किसी चीज के बिना काम ना चलना. So ये आप लोगों के 10 phrasal verbs मैंने आप लोगों को दिए हैं. Sentences आप लोगों को बता दिए so that आप लोग समझ सकें कि sentence में ये किस तरीके से use होंगे. अब आप लोगों को क्या करना है? Right after watching this video, you have to make sentences of your own. आपको खुद के अपने sentences बनाने हैं इन phrasal verbs से. तभी ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो पाएंगी और इनको आप use कर पाएंगे. ठीक है? So I'm sure you must have liked this session. It was a nice time spent with you. I'll be coming soon to discuss some different part of English. तब तक के लिए allow me to go. Thank you everyone and Jai Hind.